नमस्कार, मैं अविनाश राय खन्ना हिमाचल प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूं। आप सबके ध्यान में एक ऐसी बात को लाना चाहता हूं और जितनी भी उस बात की निंदा की जाए वो कम है। देश में एक ऐसी घटना हुई कि पड़ोसी राज्य के एक मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य के अधिकारियों की, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी बैठक बुलाकर उनको दिशा निर्देश दिए। क्या ये संविधान के मुताबिक ठीक है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या ये दूसरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस नहीं है? तो ये काम किसने किया? ये काम आम आदमी पार्टी के कन्वीनर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल ने। उन्होंने पंजाब के अधिकारियों की दिल्ली में मीटिंग बुलाकर, और जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री को ना बुलाकर मुख्यमंत्री गैर हाजिर रहे, वहां उनको दिशा निर्देश दिए गए। क्या ऐसी घटना कभी देश में हुई है? क्या आम आदमी पार्टी को नया ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहती है जिससे कि संविधान की धज्जियां उड़े? ये धज्जियां उड़ाने वाला काम आज देश के आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने किया है, तो उनको पंजाब से क्षमा मांगनी चाहिए। उनको सभी वो निर्देश जो उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं वो निरस्त करने चाहिए, और मैं अधिकारियों से भी अपील करूंगा कि उन्होंने कसम खाई है संविधान को बचाने की, वो भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि पंजाब में ऐसा मैसेज आए कि पंजाब एक गौण स्टेट हो गया है, एक छोटा स्टेट हो गया है। पंजाब एक स्वाभिमान राज्य है, पंजाब के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई काम मत करें जिसके कारण पंजाब के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो ये जितनी इस बात की निंदा की जाए कम है। क्या केजरीवाल जी ने ये समझ लिया है कि भगवंत मान इनकम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं? क्या उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना गलती की है? अगर ऐसा है तो उनको इमीडिएटली उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के।